हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ उषा सैनी। और देखिए, आज मैं आपसे अपने गार्डन में लगी तुलसी के बारे में बात करूँगी। मैं रोज़ कैसे तुलसी का प्रयोग अपने डेली रूटीन में खाने पीने में करती हूँ, और रोज़ नया तुलसी का जल बनाती हूँ और अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीने के लिए देती हूँ। और इसका हम कितना फ़ायदा है हम सभी जानते हैं, और सभी के घरों में दोस्तों तुलसी होती ही है, और सभी गृहिणी तुलसी को जल अर्पण करती है। तुलसी माँ को तो देवी का रूप माना गया है, और विष्णु भगवान जी की पूजा भी तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, और हर घर में तुलसी की पूजा होती ही है और सदियों से चली ही आ रही है। और हम शास्त्र पुराणों में पढ़ते हैं तुलसी माँ का कितना महत्व है, और इसका प्रयोग मैं कैसे करती हूँ अपने रोज़मर्रा के रूटीन में मैं बताऊँगी। और ये एक बहुत ही अनुभवी आयुर्वेद के डॉक्टर का बताया हुआ प्रयोग है, जो मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, और अपने परिवार को मैं पीने के लिए जल देती हूँ। और ये जैसे आजकल बरसात भी शुरू हो गई है, डेंगू का भी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, और हम सभी तुलसी गिलोय और का प्रयोग करते ही हैं, काली मिर्च वगैरह का डालकर। और कोरोना तो दोस्तों चल ही रहा है, आपको पता ही है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम कैसे थोड़ा बहुत अपने घर में परिवार में बचाव कर सकते हैं, ये तो हमारा रोज़ का रूटीन होता ही है, चाय में डालकर पीना और काढ़ा बनाकर पीना। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं कैसे ताज़ा जल बनाकर अपने परिवार में इसको यूज करती हूँ। ये मेरा पीने का पानी है जो मैं रोज़ आरओ से निकालती हूँ, और तुलसी के पत्ते रोज़ सुबह तोड़कर काली मिर्च के साथ पानी में डाल देती हूँ। एक पतीले में 10-12 पत्ते तुलसी के और 4 काली मिर्च मैं डालती हूँ, और सभी बोतलें और मटका इसी से भरती हूँ। और इसी पानी को मैं यूज करती हूँ खाना बनाने, चाय बनाने, जो भी घर में खाना बनता है मैं सभी काम इसी पानी से करती हूँ। और इसी बहाने हम सभी छोटे बड़े इस पानी का यूज कर लेते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें छोटे बच्चों को मिल जाता है पानी पिलाने में, वो बहुत ही आसानी से ये पानी पी लेते हैं और सर्दी जुकाम खांसी से बचे रहते हैं। आप दोस्तों करके देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है तुलसी का ताज़ा जल बनाने का, और हम बहुत ही सालों से ये करते आ रहे हैं। मेरे आसपास और परिवार में ज़्यादातर लोग इसको करते हैं और उनको बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और खांसी जुकाम और बुखार के सीज़न में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपको अच्छा लगे तो आप भी करके देख सकते हैं। और ये काली मिर्च और तुलसी के पत्ते मैं ऐसे निकाल के छलनी में इनको मैं चाय में यूज कर लेती हूँ, और फिर नया पानी भरती हूँ तो नए पत्ते डाल देती हूँ।